दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है ओवर वॉइसिंग के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके किसी भी टेक्स्ट को 100% रियल ह्यूमन वॉइस में कन्वर्ट कर देगा और इस प्लेटफॉर्म का नाम है स्पीचेलो। तो अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में अधिक जानकारी चाहिए या आपको इस सॉफ्टवेयर को परचेस करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है, इसके नंबर्स कल आने वाले हैं अनिल जी, और गोदरेज एग्रोविट स्टॉक का नाम है और दमदार सेट ऑफ नंबर्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है क्योंकि खासकर इनका जो एनिमल फीड कारोबार है जहां से करीब 46% इनका रेवेन्यू आता है वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ करीब 14% की सालाना आधार पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और इसी वजह से कंपनी की आय में सालाना आधार पर लगभग 30% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और अब 2200 करोड़ रुपए की आय जो है कंपनी घोषित कर सकती है। इनफैक्ट कंपनी का कामकाजी मुनाफा यहां पर भी स्टेबिलिटी रहेगी, इनफैक्ट 32% की ग्रोथ यहां पर भी आने की एक्सपेक्टेशंस है और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 10% से बढ़कर 10.4% यानी कि मार्जिन में भी स्टेबिलिटी रहेगी। इनफैक्ट 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त आपको सालाना आधार पर यहां पर आएगी और कंपनी का मुनाफा आप देखिए 107 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 147 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है। इनफैक्ट ये तो सालाना आधार की बात हो गई, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जिस तरह से आपने देखा कि पाम ऑयल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आई है उससे कंपनी की मार्जिन में लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का उछाल एक्सपेक्टेड है और 8.5% की मार्जिन्स पिछली तिमाही में थी और इस बारी हम 10.5% की मार्जिन्स लगभग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी के कारोबार के लिहाज से ले लीजिए या फिर जो भी कीमतें बढ़ती हुई नजर आई है पाम ऑयल की उससे जो रियलाइजेशंस में उछाल आया है कंपनी को काफी अच्छा फायदा इस तिमाही के नतीजों में हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज एग्रोवेट्स। आप कह रहे कि इनके जो एनिमल फूड प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ी, किसकी बढ़ी? एनिमल फीड कारोबार है, उसकी वॉल्यूम्स में 14% की ग्रोथ हम मतलब जो जानवरों को ये खिलाते हैं जी, लाइफ स्टॉक। ओके, तो जानवरों की क्या उनके लिए जो खाना बनता है जानवरों के लिए उनकी डाइट बढ़ गई जानवरों की फेस्टिव सीजन में ज्यादा खाने, मतलब ऐसा क्या हुआ? मतलब आपने अगर अनुमान बनाया होगा तो पूरी डिटेल की होगी किशन। अनिल जी यहाँ पर चैनल चेक किया, मतलब कोई ऐसा जाके कहीं मतलब ऐसा देखा हो कि फार्म से निरुत्तर हो गए। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार चैनल चेक जरूर करिएगा वाकई में। लेकिन चलिए, कुशल ने पूरी डिटेल रिसर्च रखी है आपके सामने। एनिमल फीड का यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ा है, इसका फायदा मिलेगा गोदरेज एग्रोवेट को और बाकी कारोबार भी अच्छा काम करते हुए 608 के आसपास है। आइए इसी पर राय ली जाए एक बार चार्ट पर। कुणाल जी, गोदरेज एग्रोवेट चार्ट देखिए जरा। अनिल जी देखिए, चार्ट भी बहुत दमदार है, स्टॉक भी बहुत शानदार है। अनिल जी थोड़ा कम चला है अगर आप बाकी स्टॉक से इसकी तुलना करें तो, उस तरह का रनअप हमने इसमें नहीं देखा है, लेकिन एक कंसोलिडेशन अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। इन स्तरों के आसपास सपोर्ट है और मुझे उम्मीद है कि वापस से जो 700 रुपए के लेवल्स के आसपास ये कुछ समय पहले ट्रेड करता था वो लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत लो रिस्क बाय है, मुझे लगता है 700 के टारगेट से बिल्कुल बाय करना चाहिए। 700 रुपए के टारगेट के साथ बाय करें, ये बात तो सही कही आपने कि थोड़ा कम चला है, हमारी उम्मीद से भी कम चला क्योंकि SIP में 17 मई को हमने ये स्टॉक रिकमेंड किया था 529 रुपए में।